अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत बेहतरीन जॉब आ चुका है, बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आ चुका हूं मैं और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर उज़्बेकिस्तान के लिए कोई जॉब है तो बताइएगा। तो वीडियो चालू करने से पहले कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देकर डायरेक्ट मुझे मैसेज मत कीजिएगा। वीडियो इत्मीनान से वॉच कीजिए। अगर आपको जॉब अप्लाई करना है तो वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या सैलरी है, एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको जाना है तो वीडियो इत्मीनान से बैठकर देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर चले जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो देखिए, काम बहुत बेहतरीन है, कंट्रीज़ भी बेहतरीन है, ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान बहुत अच्छी कंट्रीज़ है। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो मुख्तसर है इसलिए जो है वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना है आपको, ठीक है। फिर आप मुझे मैसेज करके परेशान होते हैं, इससे बेहतर है कि वीडियो को प्रॉपर एंड तक देख लीजिएगा। काम जेन्युइन है, कोई फ्रॉड नहीं होगा, 100% इंशाल्लाह काम होगा। तो काम रहेगा जनरल वर्कर के अंदर, ठीक है। अभी जनरल वर्कर के अंदर काम क्या रहेगा, वहाँ पर मैकेनिक का काम है, मैकेनिक सेक्टर के अंदर काम करना पड़ेगा। मैकेनिक सेक्टर के अंदर फैक्ट्री है, वहाँ पर मैकेनिक का जितना भी पार्ट वो बनता है, तो आपको वेल्डर के हेल्पर के अंदर काम करना पड़ेगा, एज अ मैकेनिक हेल्पर के अंदर, एज ए हेल्पर में काम करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे ड्यूटी हाउस, ड्यूटी हाउस रहेगा, 8 आवर्स का ड्यूटी रहेगा, प्लस ओवर टाइम है, कंपलसरी है, ओके। और इसके बाद एज 21 से लेकर 42 तक बंदा इले जा सकता है, ACR ACNR दोनों पासपोर्ट होल्डर एक्स। सैलरी की, सैलरी आपको कम प्रोवाइड कर रही है, 305 USD मिलेगा, यानी कि 305 USD मिलेगा। ACR ACNR दोनों पासपोर्ट होल्डर एक्स हैं। और इसके अंदर जो मेडिकल नहीं होगा, नॉर्मल मेडिकल आप मुझे देना है, बाद इंशाल्लाह आपका 100% काम होगा 25 डेज में, फ्लाइट होगा और मुझे डालना है डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, सबसे पहले रिज्यूम डालना है, रिज्यूम के अंदर आपका नाम, ईमेल आईडी, उसके बाद पासपोर्ट का फ्रंट बैक, COVID-19 सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड में एक ही PDF फाइल में डालना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आप एड्रेस मैं आपको दूंगा, जब आप PDF डालोगे उसके बाद मैं आपको एड्रेस दूंगा। मुझे आप कहना है कि सर मैं उज़्बेकिस्तान के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं एड्रेस इंडियन के अंदर जो सैलरी है बंदे की सैलरी रहेगा 25,000, यानी कि 300 USD आपको मिलेगा सैलरी। ओवर टाइम पकड़कर बंदा इजली 45-40 यानी कि 40-45 हज़ार कमाएगा। तो देखो, अर्जेंट में अगर आपको जाना है तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, 25 डेज में इंशाल्लाह वीज़ा आएगा, वीज़ा आने के बाद इंशाल्लाह आपको गो टू फ्लाई, ठीक है, मुंबई से या कोलकाता से फ़्लाइट रहेगी। प्रोसेस टाइम 1 मंथ का रहेगा, ACR ACNR दोनों पासपोर्ट होल्डर एक सब हैं, बंदर दाढ़ी वाला, टर्बन वाला, एवरीथिंग चलेगा। उज़्बेकिस्तान का जॉब है, वर्क परमिट मिलेगा इंडिया से ही। और अच्छी ये बात है कि इसके अंदर गम का मेडिकल नहीं होगा, ठीक है, गम का मेडिकल नहीं होगा। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स कहा है, 1 PDF में डालिए और उसके बाद मुझे पूछिए, सर मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान का आपका वीडियो देखा हूँ, उज़्बेकिस्तान एज ए हेल्पर में मुझे जाना है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप काम होगा। अब सीधा मुझे पूछोगे कि सर कितने साल के वीज़ा है उज़्बेकिस्तान का और सर सैलरी इसमें क्या है, मैं सीधा आपको ब्लॉक करूंगा। फ़ोटो खींचकर मुझे भेजोगे तो मैं सीधा आपको ब्लॉक करूंगा, क्यों, तो अगर आपको नहीं जाना है, आपको टाइम पास करना है। अगर जो बंदा जाने वाला है वो सीधा मुझे PDF बना के डालेगा, और जो जाने वाला है, जो नहीं जाने वाला है वो टाइम पास करेगा, तो बेहतर ये है। अगर आप टाइम पास करोगे तो भाई आपका ही नुकसान होगा, मैं सीधा ब्लॉक करूँगा, फिर आप दूसरे किसी एजेंट के पास जाएंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये जॉब थी, तो प्रॉपर एंड तक बैठ कर देख लीजिएगा। अर्जेंट में जाना है तो ये जॉब अर्जेंट में काम होगा। और मुझे इसके अंदर जो बंदा चाहिए वो बंदा चाहिए 65 पीपल चाहिए, यानी कि 65 बंदा चाहिए मुझे, ठीक है। 2 साल का वीज़ा है, ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं, वीडियो को प्रॉपर बैठ कर एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है। फ़ोन कर मैसेज करोगे, हाय हाउ आर यू करोगे, मैं सीधा ब्लॉक करूँगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। काम होगा, जेन्युइन काम होगा, ऑफिस है, हर चीज़ है, एवरीथिंग है, ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप ही बात हो रहा है, नहीं, आप सीधा डॉक्यूमेंट डालो, मैं आपको ऑफिस का एड्रेस बताऊँगा,
और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि काम करवाना है, ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट डालने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आप डॉक्यूमेंट डालोगे तो ज़बरदस्ती जॉब होगा। नहीं, आप डॉक्यूमेंट डालिए, मैं आपको बताऊँगा सर्विस चार्ज, ऑफिस पर आइए, विज़िट कीजिए, बात कीजिए काम, तो ही आगे का काम कराइए। अगर आपको ट्रस्ट है, भरोसा आ रहा है तो काम करवाइए, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जहाँ से आपको करवाना है, बहुत सारे इंडिया में ऑफिस वाले हैं, वहाँ से काम करवाइए, डजंट मैटर। ठीक है, ये जो जॉब था अर्जेंट में इन्फॉर्मेशन थी तो मैं आपके साथ में शेयर किया हूँ। इसके बाद जो जॉब आएगा वो जो मिडिल क्लास लोग हैं यूरोपियन जाना चाह रहा है यूरोप के अंदर, वो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्यों तो वो वीडियो बहुत कम पैसों में बंदा जाएगा, वो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। वो वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, पहले मैं कभी किसी वीडियो में नहीं बोला हूँ कि आपको सब्सक्राइब करो ये वो, नहीं। अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक आपकी मर्ज़ी है, करें ना करें, ठीक है। अगर किसी को वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वीज़ा मिलेगा। यूरोप का कौन से भी कंट्री का चाहिए वो वीज़ा मिलेगा, और बहुत कम पैसों में जो है यूरोप का काम हो रहा है। इंशाल्लाह वो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वो आपके लिए जो बंदा जाने वाला है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमाज की पाबंदी और कुरान शरीफ की तिलावत ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।